वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम मोरो वर्सेस कोकू की मांगा की स्टोरी सुनने वाले हैं, वो भी हिंदी में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि पूरे चारों ओर सन्नाटा है और वहाँ सिर्फ कोकू और जैको खड़े हुए हैं। और जैको कहता है, तुम ठीक हो गोकू? और गोकू कहता है, आज मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखा। अच्छा, और वो क्या है? कोकू कहता है कि मैं कभी अकेले नहीं लड़ रहा था। वीरस और वैश्य खड़े हुए देखते रहते हैं और गोकू कहता है कि मैं वेजिटा और डेंडे के द्वारा भी बचाया गया और लास्ट में मैंने वीरस को खो दिया। उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हमें बचाने के लिए, हमारे यूनिवर्स को बचाने के लिए। गोकू अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता और कहता है, जैको मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तुमने गैलेक्टिक पेट्रोल क्यों ज्वाइन किया था? जैको कहता है, क्या यही था तुम्हारा सवाल? क्या हमारे पास इसके लिए वक्त है? और गोकू कहता है, चलो बता भी दो। जैको कहता है, मैं इस गैलेक्सी की शांति चाहता तो साथ ही साथ इसकी यूनिफॉर्म बहुत ही मस्त है। गोकू कहता है, अच्छा, मीरस भी क्या इसी तरह से फील करता था? गोकू कहता है, इस यूनिवर्स को बचाना मेरी ड्यूटी है। अचानक वहाँ मोरो आ जाता है और गोकू कहता है, तुम पीछे हटो जैको। गोकू कहता है, मीरस जा चुका है। और यह कहते ही वह एक ट्रांसफॉर्मेशन लेता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते कि यह क्या है। यह देख कोहान और पिकलो बहुत खुश होते हैं और वैस कहता है, तैयार हो जाइए लॉर्ड वीरस, हम परफेक्ट अल्टर स्टेट के विटनेस होने वाले हैं। पड़ोस छुप कर यह सब देख रहा था पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब देखते हैं कि गोकू अपने मास्टर अल्टर स्टेट ग्रे हेयर के साथ वहाँ खड़ा है। मोरो कहता है, ये कौन सा फॉर्म है? जैको कहता है, सिल्वर हेयर। मोरो से आगे बढ़ता देख डर जाता है और अचानक से गोकू पर अटैक करता और कहता है, पीछे हटो। गोकू उसके अटैक को होने से पहले ही रोक लेता है। यह देख मोरो हैरान हो जाता है। यहाँ से फाइट शुरू होती है। मोरो और गोकू एक दूसरे पर लगातार अटैक करते हैं पर मोरो का एक भी अटैक गोकू को हार्म नहीं कर पाता है। गोकू हर अटैक को उसके जवाब देकर खुद को अच्छा साबित करता है। वीरस यह देख कहता है कि यह अपने मूव्स को बहुत बेहतरीन कर रहा है। गोकू कहता है कि यह मेरा मास्टर अल्टर इंस्टिंक्ट है, तुम्हारे अटैक्स मुझे हिट नहीं कर सकते, मेरी बॉडी बिना किसी थिंकिंग के मूव करती है। यह सुनते ही मोरो गुस्से से भर जाता है और अपनी फुल पावर को रिलीज़ करता है और बहुत ही तेज़ अटैक करते हुए गोकू की ओर बढ़ता है। पर गोकू अपनी गॉड पंच टेक्निक से उसे ऊपर की तरफ फेंक कर पंच करता है और पंच इतना ताकतवर होता है कि यह पूरी दुनिया को ही हिला देता है। मोरो ज़मीन में आ गिरता है और गोकू कहता है, अब तुम जान चुके हो तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। पर मोरो किसी भी तरह से उठता है और कहता है कि तुम खुद को क्या भगवान समझते हो? मैं किसी भगवान से नहीं डरता हूँ। वह फुल ताकत से चार्ज करता है पर गोकू उसे अटैक करता है और उसकी बीम उसे ही जाकर लगती है। गोकू कहता है, तुम्हारा काम अर्थ पर ख़त्म हुआ, अब तुम इसे और नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मोरो कहता है, तो मैं इससे लगाव है, मैं तो इससे को ही ख़त्म कर देता हूँ। यह सुनते ही गोकू उस पर अटैक कर देता है और मोरो पत्थर से जाके टकरा देता है और रहम की भीख मांगता है। वो कहता है, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो। गोकू कहता है, जैको। वो अपनी मौत की भीख मांग रहा है। जैको कहता है, हाँ यह तो है। गोकू कहता है, अब मैं यहाँ से एक अर्थलिंग की तरह लड़ूंगा। यह सब सुन हैरान हो जाते हैं और वीरस परेशान हो जाता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगला वह पार्ट जल्दी ही आएगा। कृपया हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले पार्ट के लिए वेट कीजिए और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा।